गॉड, ओ बाप रे बाप, ओ भाई रे, ये क्या था? आज जो है हमारे पास पैसा ही पैसा है। क्यों बोल, कितने चाहिए तुझे? ये ले 10 की गड्डी ले, 20 की गड्डी ले, 50 की गड्डी ले, 100 की गड्डी ले, 200 की ले, 500 की ले, 2000 की ले। रो तो मत कम से कम, तेरा भाई पैसा ही पैसा लेके आया है। फिर हेरा फेरी वाला अक्षय कुमार वाला सीन होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस कमाल के और बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन में, जिसमें कि भाई हम स्नैक्स से लेके आज कुछ टॉयज रिव्यू करने वाले, जिनमें मैं आपको बता दूं कि ये दादी गुल्ला और लाइट वाला जाना, इसके ऊपर लिखा है फ्री गिफ्ट इनसाइड और इस पे भी लिखा है क्योंकि इनके अंदर गारंटीड इनाम निकलते हैं। और आज होने वाले भाई नोटों की बारिश, तो 10 से लेके 2000 रुपए के नोट सारे होने वाले और पुलिस सेट भी होने वाला है। तो भाई चलो भाई, ज्यादा देरी ना करते, फटाफट से शुरू करने वाले हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहले आने वाली हमारी स्नाइपर गन, जो आज 10 में से किसी एक बंदे को मिलने वाली है। देखो आप लोगों के कहने पर भाई ये लेके आनी पड़ेगी क्योंकि आप पबजी और फ्री फायर के बहुत ही ज्यादा फैन हो, तो आपके लिए लेके आए हैं। अगर ये मैं यहां रखता था भाई जगह सारी गिर जाती। तो 10 में किसी एक बंदे को मिलने वाली है और उसी के साथ मिलेगा ये वाला अटैची वाला पुलिस सेट, जिसके अंदर आप जो है अपनी भाई साहब लेजर लाइट वाली गन से लेके हथकड़ी तक, बैज हो गया, ये दूरबीन हो गई, बाइनोकुलर और ये आईडी कार्ड सब कुछ रख सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आज हमारी इस वाली गाड़ी से, जो कि आरसी स्मोक कार है और ये पुलिस वाली ही गाड़ी है। तो भाई आज जो आपको पूरा कंप्लीट सेट मिलने वाला पुलिस का, और भाई ये ना इस तरीके से खुलने के बाद इस तरीके से यहां से आगे से देते धुआं, वो भी एकदम असली वाला। तो भाई अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बाद में दिखाई बेल आइकन दबाएं ताकि आने जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो यार मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो है ना आपको सबसे पहले भाई पानी डालना है। इसको आप यहां से खोलोगे और यहां पर डलेगा पानी, तो ये ले लिया भाई हमने पानी। और इसके अंदर जो है ना आपको सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालना है, सिर्फ इतनी सी मात्रा में भाई मैंने जो इसके अंदर पानी डाल दिया है। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना और इसके बाद इसको भाई खोल लेना क्योंकि ये इसी पहिए के ऊपर चलने वाली है और इसके अंदर डलती है कुछ बैटरीज। इसके अंदर जो भाई मैंने 4 बैटरीज लगा दी और ये यहाँ से होता है ऑन, तो भाई इसको ऑन कर देते हैं और ये देखना ये सारी लाइट्स ना इसकी जलने वाली है। तो भाई इसको कर दिया हमने ऑन और ये देखो आप यहाँ से लाइट्स भी जल रही हैं। तो भाई ये देखो ये कुछ इस तरीके से खुलता है और यहाँ से निकलता है इसमें असली का धुआं। तो एक काम करता हूँ मैं ना आपको भाई लाइट्स ऑफ करके दिखाने वाला हूँ ताकि जो भाई आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाए। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ। तो यार ये देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा रंग बिरंगी लाइटें जल रही है और यहाँ से भी इसके अंदर जब दरवाजा खुलता है तो भाई ग्रीन लाइट जल रही है और इधर से निकलता है असली वाला धुआं। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कि ना गाड़ी एकदम आग फेंक रही है। और यहाँ पीछे जो है ना भाई देखो नंबर प्लेट लगी हुई है और यहाँ से भाई लाइट वाइट जल रही है और ये देखो दरवाजे इसके खुल चुके हैं और दोबारा से इसके अंदर निकलने वाला एकदम असली वाला धुआं, जिससे कि ऐसा लगेगा कि भाई आग निकल रही है, फायर हो रही है धू 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 करके, है ना, मतलब कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आ जाओ भाई इसको मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ये आ चुका है हमारा मिलिट्री टैंक जो कि भाई स्प्रे वाटर फेंकने वाला बहुत गंदे वाला, यानी कि आरसी स्मोक कार है हमारी जो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये भाई साहब 4x4 है लेकिन इसके अंदर 6 टायर है और सारी की सारी एलईडी लाइट जलती है। ये देखो भाई ग्रीन लाइट भी जल रही है, नीली लाइट भी जल रही है। ओए भाई कितना बढ़िया लग रहा है। ओए माय गॉड गाइस, यार ये देखा तुमने भाई साहब, ऐसा लग रहा है वाकई में कोई बंदा इसके अंदर बैठ के इसको चला रहा हो। ओ माय गॉड, ओ बाप रे बाप, ओ भाई रे, ये क्या था? ऐसा लग रहा है जैसे भाई कोई बंदूक चल रही हो धाए धाए धाए। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी भाई साहब एलईडी लाइट लगे ने ग्रीन कलर की, अमेजिंग है भाई रे, कतई जहर भाई साहब, कतई बवाल यार, धुम्मा ठाते भाई गाड़ी ने तो सच में। ओह माय गॉड, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ये ग्रिल देख के ना मुझे एकदम से याद आया कि ये जो है गाड़ी एक हमर गाड़ी है उससे इंस्पायर है। और ये आगे की एलईडी लाइट्स है काफी अच्छी जल रही थी और पीछे की भाई ये नंबर प्लेट जो लग रही थी ना, मतलब कि नीली नीली लाइट के अंदर गजब लग रही थी। और जब भाई ये दोनों की दोनों इस तरीके से खुल जाते हैं और ये ऊपर से ऐसा उठता है तो भाई ऐसा लगता है किसी ने कोई बजूगा चला दिया मिसाइल सी। और ऊपर भी इन्होंने लाइट्स बनाई है, ये देखो 2 शीशे ये रहे, 2 ये रहे, 4 और ये रहा 5 और छठा। और भाई आगे वाले की तो खासियत ये है कि ये खुल भी जाते हैं और ये सारी की सारी एलईडी लाइट है। और ये वाली देखो यार एक मिनट, ये काफी ज्यादा महंगी वाली एलईडी लाइट है क्योंकि ये जो भाई रंग भी बदल लेती है। तो मुझे जो है ना भाई इसके टायर्स वायर से लेके हर एक चीज बहुत पसंद आई। और भाई इसके अंदर 6 टायर्स हैं और ये है एक असली वाली आरसी स्मोक कार, यानी कि भाई धुआं छोड़ने वाली गाड़ी। ऐसा लगता है ना जैसे पिक्चरों में देखते हैं भाई जब गाड़ी एकदम से पीछे साइलेंसर धुआं फेंकते दूर 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 करके आग निकलते, सेम वही वाला इसमें फील आने वाला, काफी गजब की चीज थी, कतई बवाल। अगर आप लोगों को भाई मिलिट्री टैंक देख के मजा आया तो भाई आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना आरसी स्मोक मिलिट्री
मिलिट्री टैंक, ताकि मैं जो आपको इस गाड़ी को गिव अवे कर सकूं, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो यार अब बारी आती है हमारी दादी जी की गुल्लक की। तो भाई सबसे पहले जो है हम अपनी दादी जी की गुल्लक लेने वाले हैं, और ये आ गई है हमारी दादी की गुल्लक हमारे हाथ में, जिसपे ये भाई आप देख सकते, देखो लट्टू बना हुआ है, बहुत सारे पैसे बने, मतलब कि दादी के पास काफी ज्यादा माल है भाई। हमारी जो दादी है ना वो मालदार पार्टी है कि नहीं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तो यार अब जो है हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, दादी जी से हमको बोलना ही पड़ेगा कि दादी जी फटाफट से जो है हमारे को महंगे महंगे गिफ्ट निकाल के दे दो, और जो है आज मुझे कम से कम भाई 500 रुपये चाहिए, नहीं तो जो है आज मैं बहुत ज़्यादा रूठने वाला हूँ दादी जी से। तो इस पैकेट को भाई हमने कर लिया है अनबॉक्स, और यहाँ से भी काफ़ी सारे स्नैक्स की चमक हमें दिख रही है, और अब ये देखना कि इसके अंदर गिफ्ट निकलता है या नहीं निकलता। तो भाई अभी तक तो सारा कचरा निकला। ओ भाई साहब ये देखो, ये पूरा का पूरा खाली हो गया, और इसमें हमारे 500 का नोट भी निकला है, तो क्या बात है। तो यार दादी तो अपने वादे की पक्की निकली, और ये देखो भाई हमारा निकला है 500 रुपए का नोट, जो कि काफी ज्यादा मजेदार। ये क्या है, 500 कूपन। ओहो भाई यार ये हमारे साथ ही क्यों होता है, मेरा भाई 100 में से पता एक ही बार असली नोट निकलता, नहीं तो ना यार ये मेरे हमेशा नकली नोट क्यों निकलते हैं। ये देखो 500 कूपन लिखा है इस पे, यानी कि भाई ये जो सिर्फ स्कूल के ही काम आने वाला है, बच्चों को चिढ़ाने के लिए। लेकिन यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी का यार, काफ़ी हद तक यार इन्होंने एकदम असली वाला ही बना रखा है इसको। तो मुझे जो ये काफ़ी ज़्यादा भाई पसंद आया, मुझे तो वाक्य में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमारे वाले 500 के नोट से तो वाक्य में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये 500 का कम 10 का ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मज़ा आने वाला है, जो देखोगे ना इस गड्डी को हाथ में उठा के दिखाऊंगा तब देखना भाई, मतलब पार्टी हो जाएगी स्कूल में। ये देखो, ये देख रहे हो, आज जो भाई स्कूल में पार्टी करने का बड़ा मूड है ना, तो भाई मज़ा आने वाला तुम लोगों को। तो इसको रखते हैं साइड में, और भाई ये 500 का नोट निकला हमारा इस गिफ्ट में, और साथ ही में एक निकला हमारा स्पिनर। ओ माय गॉड, वाह यार ये तो कमाल हो गया, ये स्पिनर भी है, और प्लस में इसके अंदर मिले हमें पॉपेट, जिसके अंदर है भाई 3 रंग। ये देखो भाई, ऑरेंज भी है, ब्लू कलर भी है, और पिंक कलर भी है, क्या बात है। तो भाई इस तरीके से ना इनको पॉपेट को ऊपर नीचे करके आप जो है खेल सकते हो। तो यार भाई पॉपेट का जो साउंड है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में, जैसे टेंपल रन और सबवे सर्वर खेलते थे ना, उससे भी ज़्यादा मुझे मज़ा इनके साथ आता है। लेकिन भाई इसका जो है स्पिनर का टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो ये 1, 2 और ये 3। ओ भाई साहब ये देखो यार, अभी जो है ना इसके अंदर भाई 3 रंग नजर आ रहे थे, जैसा लग रहा था सॉफ्टी है, एक आइसक्रीम होती है ना सॉफ्टी वाली, सेम वैसा फील हो रहा है कि संतरी सॉफ्टी, गुलाबी सॉफ्टी और नीली सॉफ्टी। तो भाई ये देखो है ना एकदम सॉफ्टी, एकदम आइसक्रीम वाला लुक आ रहा था। और यार ये जो है ना 2-in-1 वाला कॉम्बिनेशन, मुझे तो भाई बड़ा ही गजब का लगा, काफी क्रेजी था, मजा आ गया इसको देख के, कि भाई स्पिनर का स्पिनर भी है, पॉपेट का पॉपेट भी है। तो यार मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। अगर भाई आपको आरसी स्मोक कार पसंद आई हो, या फिर आपको पॉपेट वाला स्पिनर पसंद आया, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना भाई पॉपेट स्पिनर, या फिर आपको लिखना होगा आरसी स्मोक कार, और उसके आगे वॉल लिख देना, ताकि मैं जो आपको इसको गिव अवे कर दूं। और आप जो है भाई अपना एड्रेस लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब बारी आती है लाइट वाले खजाने की, और उसके बाद एक पुलिस का सेट दिखाने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा गजबदार होने वाला है। लेकिन उससे पहले देखने वाले हम आरसी हेलीकॉप्टर, जिसने की भाई अपनी उड़ान भर ली। और ये देखो यार, मतलब इधर लिखा है प्लेन, इधर लिखा है स्काई हेलीकॉप्टर, और इसकी ये जो 4 प्रोपेलर जिसको हम पंखुड़ी के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई है कि जब ये चलना स्टार्ट हो तो भाई अपना हाथ वगैरह पीछे हटा लेना, क्योंकि ये जो है ये है तो प्लास्टिक का, लेकिन ये नीचे आते आते ना काफी पतला हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ये हाथ वाथ पे लग गया तो आराम से काट सकता है। ये देखो है ना, मतलब कितनी तेज ये घूमता है। और इसके अंदर भाई एक मेटल की टिप दे रखी है, तो यानी कि ये बीच वाली जो डंडी है ना, ये मेटल की है, जिसकी वजह से टूटने नहीं वाला। और ये यहाँ पर भी एंड में टिप पे भाई 2 जगह पर मेटल लगा रखा है, और आगे से ये एकदम आयरन मैन के हेलमेट वाला इसका लुक आता है, ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। और ये पीछे इन्होंने ये मेटल का दे रखा है, तो भाई काफी मजा आने वाला है इसको उड़ाने के लिए। तो भाई ये जो है ना नीचे इधर इसको चार्जिंग भी कर सकते हो, और ये रात में यहाँ पे जब लाइट जलेगी तो आपको पता रहेगा कि ये उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा। तो ये देखो ये हो चुका है ऑन, और एक बार इसको तो टेस्ट तो करके ही मानेंगे हम, क्योंकि तुम्हें पता है बिना टेस्ट करे तो यार मैं भाई कुछ भी नहीं मानता। तो भाई चलो एक बार जो है इसके रिमोट कंट्रोल पे भाई नजर मारते, जिसके अंदर डलती है हमारी 6AA वाली बैटरी, और उसके बाद जो भाई आपको इसको कर देना अच्छे तरीके से स्क्रू ड्राइवर से लॉक। और जब ये इस तरीके से आप इसको अच्छे से कस लोगे, तो उसके बाद भाई साहब अब जो है ये देखो उड़ने के लिए तैयार है। तो यहां से आप जैसे ऑन करोगे तो भाई इसके अंदर भी ना लाल लाइट जलेगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब देखो जैसे धीरे में करूंगा वैसे वैसे उसकी पंखुड़ी हिलेगी। ओ भाई ये कहां जा रहा है। तो यार इंटरेस्टिंग तो है, मानना पड़ेगा। देखो मैंने इसको पकड़ के रखता हूँ, आप लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है, आप ऐसा मत करना, आप तसल्ली से रख के उड़ाना, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये देखो इसकी स्पीड देख रहे हो, और पता है धीरे धीरे ना आप जैसे जैसे इसको आगे करोगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है,
भाई ये देखो नोट तक हिल रहा है, तो आप ना समझ लो भाई मेरे चेहरे पे हवा आ रही है यार, मेरे गालों तक हवा आ रही है और मेरी टी शर्ट भी हिल रही है। तो यानी कि ना भाई वाकई में चीज तो बड़ी कमाल की होने वाली है, और साथ ही मैं आपको बता दूं ये भाई तुम्हारा दिन बना देगी। तो आ जाओ यार इस बवाल चीज को देखते हैं लाइव। ओए वाह यार ये कितना ज्यादा असली लग रहा है एकदम ऐसा लग रहा है ये कोई असली हेलीकॉप्टर। ओ भाई साहब बाप रे बाप भाई इसको साउंड देखो यार तुमने कितनी तेजी से फड़फड़ फड़फड़ करता हुआ। एक बार बिल्डिंग से ऊपर लेके चलते हैं इसे। ओ भाई रे ये तो एकदम चिड़िया लग रहा बिल्डिंग ऊपर भाई आसमान में एकदम परिंदा। ओह माय गॉड भाई ये किसी पागलपन से कम नहीं था, इतना ज्यादा प्यारा उड़ रहा था मैं आपको क्या बताऊं। और वाकई में यार ये काफी ज्यादा क्रेजी और बहुत ज्यादा मजा है इसको फ्लाई करके, और ये इतना बढ़िया उड़ता है ना क्योंकि आगे से एकदम नोक की तरह है नुकीली धार, तो भाई ये हवा को काटती हुई इसकी पंखड़ियां ऊपर को जाती हैं और भाई मजा दिला देती है कसम से। बहुत ज्यादा बवाल चीती कदाई बवाल यार, मजा आ गया भाई बवंडर ठा दिया इसने। तो यार अगर आप लोगों को भी भाई ये स्काई वाला हेलीकॉप्टर पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिख देना आरसी हेलीकॉप्टर ताकि मैं जो आपको इसको गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। इसके बाद बारी आती है भाई हमारे कछुए की जो कि पूरा का पूरा स्नैक्स से ढक चुका है, तो भाई भूख तो लगी रही है। अब भाई जाके मजा आ गया कसम से, वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी थी यार दादी की गुल्लक। ये हमारा भाई एक कछुआ जो बहुत ज्यादा प्यारा है, और इसकी पता है गर्दन हिलती है कुछ 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 कुछ, और इसकी ये टेल भी हिलती है पूछ, और ये वाकई में काफी ज्यादा मजेदार है। तो इसको चलाकर तो मजा आएगा ही, लेकिन उससे पहले लाइट वाला खजाना देखते हैं। ये ले लिया भाई हमने अपना लाइट वाला खजाना जिसके अंदर भाई कंप्यूटर बना हुआ है, हीरे जवाहरात बने हुए, मतलब कि इसके अंदर ना खजाना निकल सकता है, ये कार निकल सकता है, शॉपनर निकल सकता है, पेन निकल सकता है, फ्री गिफ्ट्स इनसाइड, मतलब यशोदा जी कंपनी की तरफ से आता है। और भाई इसके अंदर ना इन्होंने लिख रखा है कि गारंटीड कुछ ना कुछ तो हमारा निकलेगा ही। अबे यार ये मेरी कैंची भी ना भाई साहब इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा, मुझे लग रहा है मुझे एक नई सीजर लेनी पड़ेगी यार। तो आप लोग मुझे बता देना कि अच्छी सीजर कौन सी रहेगी, और क्योंकि मैंने तो भाई देखो ज़्यादा पैसे खर्च करता नहीं हूँ मैं, ये मैंने सिर्फ 20 रुपये की ली थी क्योंकि मैं जो मंगल बाजार गया था। आपके यहाँ पे कौन सा बाजार लगता है आप मुझे जरूर बताना। तो भाई इसके अंदर ओ माय गॉड भाई मुझे कुछ ना दिख रहा है इसके अंदर, ओए भाई मजा आने वाले हैं। तो इस कैची को भाई मैं साइड रखता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर देखने वाले हमारा क्या निकला क्या निकला। ओए ओए क्या बात है बल्ले बल्ले भाई साहब, इसके अंदर स्नैक्स भाई कूट कूट के भरे हुए हैं, मतलब इतना स्पेस होने के बावजूद इसके अंदर हमारी एक निकला स्मार्टफोन यानी कि एक मोबाइल वाली गेम निकली है जो मैं आपको बता दूं ये हमारी काफी बार निकल चुकी है, और ये है भाई साहब आईफोन के डिजाइन में, लेकिन ये वाली बहुत हार्ड है क्योंकि इसके अंदर एक नहीं इसके अंदर दो नहीं इसके अंदर मिलता है भाई 3 राउंड जिसको आपको भरना होता है। भाई आपको पता है मैं सिर्फ 5 सेकंड लेता हूं मिनिमम भरने के लिए। तो ये देखो भाई इस तरीके से जो है ना मैं किसी भी चीज को आराम से भर लेता हूं। तो आपने देखा कि मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने इसके अंदर 9 बॉल भर दिए हैं, और ये पता 10वीं 11वीं भी इसी पे अटकी हुई है। यार अगर तुम्हें लगता है ना, वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, एक दो बार ही हुआ है जिसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है, मैंने उनके नाम भी बताए थे और उनको गिव अवे भी करा था। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि भाई तुम मेरे से ज्यादा भर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी में भरो, अगर आपके यहां पर 5 आ जाते हैं, यहां पर 5 आ जाते हैं, यहां पर 5 आ जाते, तो टोटल भाई 15 हो जाएंगे, तो आप ना विनर हो जाओगे। अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई ये स्मार्टफोन वाली वॉटर गेम आप जीत सकते हो, और अगर आपको आती है वाक्य में खेलनी और आप मेरे से कम सेकंड में कर सकते हो, मैं दोबारा बताता हूं मैं इसको 5 सेकंड में भर देता हूं। अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई तुम इसको 4 सेकंड में कर सकते हो, तो अपना नाम लिखना उसके आगे वाव लिख के चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना, ताकि मैं आपको इस वाली वॉटर गेम को गिव अवे कर सकूं। और ये वाक्य में आईफोन जितना, ये देखो यहां से लेके यहां तक पूरा आपको एक स्क्रीन वाला फील मिलता है, इसके अंदर ब्राउजर वगैरह यूट्यूब वगैरह भाई अलार्म वगैरह सब देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसके अंदर भी आईफोन की तरह एक ही बटन होता है जो काफी ज्यादा कामयाब है, और इसके देखो डिस्प्ले बना रखे इन्होंने, मोटा सा इसको साइज दे रखा है, यानी आप इसको जींस की पॉकेट में रखो या अपनी शर्ट की पॉकेट में या इसको अपने हाथ में रखो, और जब आपको पानी खत्म हो जाए तो इस रबड़ को निकाल के पानी भी भर सकते हो। यार बड़ी कमाल की चीज निकली हमारे लाइट वाले खजाने में, तो मुझे ज्यादा पसंद आया भाई साहब ये तो। और इसी के साथ हमारा एक ये क्या है भाई, ये ओ माय गॉड भाई लाइट वाले खजाने में से एक लाइट वाला हमारा एयरप्लेन निकला जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लेकिन भाई काम चलाओ तो है।
लाइट तो जली रही है, ओहो क्या बात है। तो भाई मजा आ गया ये देख के भी। तो अब बारी आती है भाई हमारे एक पुलिस सेट की, लेकिन उससे पहले भाई मैंने टर्टल का वादा करा था तो मुझे इसलिए पहले वो आप दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ऊपर से भाई इसका जो कवच है ना वाकई में टर्टल का सेम ऐसा ही होता है जैसे एक फुटबॉल का डिजाइन होता है, या फिर भाई जो फुटबॉल का डिजाइन है क्या पता वो टर्टल से इंस्पायर होकर ले रखा हो। तो भाई इसके अंदर आपको काफी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि ये एक आम नहीं है भाई, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये है भाई ट्रिपल ए बैटरी वाला। तो मैं आपको बताता हूँ भाई ट्रिपल ए बैटरी जो होती है एक्चुअल में वो पेंसिल सेल से थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन होते बहुत ज्यादा कमाल के हैं। और इस तरीके से भाई ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद इसको जैसे ऑन करोगे ना तो इसकी एक एक गरारी चलने वाली है। और अंदर रंग तो देखो यार, मतलब नीले पीले लाल हरे बैंगनी और ये देखो यार गुलाबी संतरी सारे इसके अंदर रंग है। और इसको जैसे ऑन करोगे ना तो भाई इसके अंदर से एक म्यूजिक आता है और आती है साथ में 3D लाइट्स। और ये देखो भाई एक एक गरारी जो है ना इसकी बहुत प्यार से चलती है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भाई ये काम किस तरीके से करती है। और गर्दन देखो कितनी क्यूट तरीके से घूम रही है। तो यार एक काम करते हैं इसके सस्ते मजे नहीं लेंगे, इसको लाइव लेकर चलते हैं स्क्यूट से। तो आ जाओ आज मेरे साथ। ओ भाई साहब एक ही लाइट बंद करी है मैंने और एक जल रही है, देखो कितनी ज्यादा इसके अंदर रंग बिरंगी लाइटें लग रही है, इसकी गर्दन कितनी क्यूट लग रही है एकदम क्यूटी पाई लग रहा है भाई कुछी कुछी। ओ इंटरेस्टिंग 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 भाई साहब इसने मेरा दिल जीत लिया। और अंधेरे में यार ये क्या लग रहा था, मतलब कि वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल था। इसके ऊपर ना पता भाई सीखने के लिए काफी कुछ दे रखा है, जैसे कि अगर ये वाला आपको पहचानना तो भाई आपको पूछना पड़ेगा, और जो भी आपके घर में 18-20 साल का समझदार बंदा है वो आराम से बता सकता है कि भाई इसको सर्कल बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं, ये स्क्वायर है, ये हार्ट शेप है। और यहां पर भाई इन्होंने म्यूजिक के कुछ आइकन बना रखे हैं और अंदर भी ये देखो स्टार बने हुए हैं और यहां पर 1-2-3 लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है। मतलब क्या क्या है यार ये 1-2-3 से लेकर हर एक चीज है, मतलब आपको ये ना भाई लर्निंग भी कराएगा और इसके अंदर म्यूजिक भी बसते हैं बच्चों वाले ताकि आपको मजा आ जाए। और ये जो है ना यार इसकी आंखों में प्यार, ओए होए सोने पे सुहागा यार मजा आ गया इसको देख के। तो अगर आपको ये लाइट वाला और गरारी वाला पसंद आया हो हमारा कछुआ यानी कि टर्टल, तो आपको लिखना है अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिख देना 3D टर्टल, ताकि मैं जो आपको इस ट्रांसपेरेंट कांच वाले टर्टल को गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब भाई पुलिस सेट में से मैं सबसे पहले तो आपको भाई ये गन दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर ये एक लेजर लाइट आती है, देखो ये जल गई भाई हमारी लेजर लाइट और ये बुझ गई। इसके अंदर यहाँ पर सेल डले हुए होते हैं, यहाँ पर आप खोलोगे यहाँ से सेल डल जाते हैं। यार लाइट वाले खजाने ने पूरी की पूरी गन हमारी गंदी कर दी देखो। और यार अब जो है ना भाई तुम लोगों को आएगा असली वाला मजा, क्योंकि ये जो गन है ना भाई एक आम गन नहीं है, वाकई में एक मिलिट्री वाली पुलिस वाली गन है जिसके अंदर की आपको भाई लेजर लाइट मिल जाती है। और इसको बस कुछ इस तरीके से लगाना होता है। एक तो पता है सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी क्या लगती है कि भाई इसके अंदर वाकई में एकदम ओरिजिनल वाली चीज है, जैसे आप हाथ में पकड़ोगे और इस बटन को दबाओगे ये ऑटोमेटिक नीचे आता है, मतलब खींचना नहीं पड़ेगा इसकी मैगजीन को, ये देखो है ना, मतलब एकदम नीचे आ जाती है और वापस से जो है ना आप इसके अंदर। और भाई आपको जो है ना इस तरीके से एक्स्ट्रा जो छर्रे मिलेंगे आपको इस तरीके से इसके अंदर लोड करने होते हैं। अब ये जो हमारी गोली है भाई इसके अंदर सारी की सारी लोड हो चुकी है, और उसके बाद अब इसका साउंड सुनना यार, साउंड भी इसका बहुत खतरनाक आएगा जब इसको लोड करते हैं भाई। ये इस तरीके से आपको लगानी है और जैसे आप ऊपर को हाथ करोगे तो बहुत मजेदार साउंड आएगा, ये देखो इस तरीके से आपने इसको लगाया और ये है ना, मतलब कितना खतरनाक साउंड। और भाई उसी के साथ जब आप इसको खींचोगे ये देखो लीवर को है ना, मतलब इसका भी साउंड कितना बढ़िया है। और अब जैसे ही भाई मैं फटैक करूंगा ना तो इतनी तेज आवाज आएगी ये देखो है ना, मतलब ओ मतलब भाई मैं तो आपको सुना रहा था सीधा जाके ना मेरे राउटर पे टकरा गया वाईफाई पे तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पुलिस सेट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को। तो भाई इसी के साथ एक मिलेगा बाइनोकुलर जिसको कि हम दूरबीन कहते हैं, और इस दूरबीन से भाई आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे कि ये देखो ये नीला वाला हमारा जो है ये पुलिस वाला बैज है, और इसके अंदर से भाई आपको काफी कुछ चीजें दिख सकती हैं। देखो ये देखो पैसे की गड्डियां दिख रही है हमें, तो भाई पुलिस वाले बन के आप चोर पुलिस का नाटक कर सकते हो। और इसको घुमाने से ना भाई जूम इन जूम आउट होता है, और इसके अंदर भाई लाइट वाले फंक्शन दे रखे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर रात में आपको यूज करना है जैसे आप इस वाले को इधर की तरफ स्लाइड करोगे तो इसमें लाइट जल जाएगी, और अगर आप चाहते हो कि आपको टॉर्च और अच्छे से इस्तेमाल करने तो ये बटन दबा देना, और आप देखना भाई कमाल।
है ना, मतलब कि कमाल की चीज। और ये ना भाई, अगर आपने वॉल्ट डिज्नी वालों की पिक्चर देख रखी है ना, पिक्सार वालों की, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक भाई मंगल ग्रह पे जो बंदा घूमता था रोबोट, ये सेम उसी की तरह लगता है खुलने के बाद, और मुझे काफी ज्यादा कूल ये लगता है। और भाई इसके साथ डोरी भी आती है ताकि आप गले में टांग सको, और इसको रात में आप अपनी आंखों पर लगा के देख सकते हो, और इसके बाद आप इस टॉर्च को ऑन करके देखना भाई, काफी ज्यादा भाई जब अंधेरे में देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आती है। और इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो, और भाई बैटरी बचाने के लिए जो है आप इसकी टॉर्च को भी बंद कर सकते हो, क्योंकि बैटरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बिना दो सेल के नहीं चलेगी, और ये जो है ये ट्रिपल ए वाले सेल है जिसको हम पेंसिल सेल के नाम से जानते हैं। तो अब जो है ना भाई, मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा पुलिस का सेट, वो भी एकदम तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसा लगता है। तो ये एक बाइनोकुलर यहां पर रखा हुआ मिलता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मैगजीन आती है भाई, ताकि जब आप चोर को पकड़ रहे हो तो आपको अपनी बार बार गोलियां ना भरनी पड़े। इसके अंदर आपको एक वॉकी टॉकी मिलता है ताकि आप अपने पार्टनर से बात कर सको। इसके अंदर मिलेगा आपको एक पुलिस का बैज, ताकि जैसे आप किसी के घर पे पहुंचोगे तलाशी लेने के लिए, तो भाई आपको जैसे कोई पूछेगा भाई हाँ भाई तलाशी कैसे ले रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, इस तरीके से आपको बैज दिखाना है। तो भाई ये बैज भी इसके अंदर आता है, और साथ ही में भाई पुलिस वाले के नाम से एक आईडी कार्ड आएगा जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, और यहाँ पर आपकी क्या ग्रेड है, क्या रैंक है, यानी कि आप भाई कांस्टेबल हो या फिर आप SHO इंस्पेक्टर हो, आप यहाँ पर अपनी रैंक वगैरह लिख सकते हो, और इस तरीके से आपको एक कार्ड मिलता है, क्योंकि ताकि अगर कभी आपको कोई पकड़ ले तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई ये देखो, ये भाई मेरा नाम है, ये मेरी फोटो है, और यहाँ पर मेरा नाम वाम लिखा हुआ है कि भाई मैं जो एक पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे स्टार मिला हुआ है। स्टार मिलना कितनी बड़ी बात होती है। तो ये भी इसी के अंदर आता है, और इसके अंदर आती है जब आप किसी को चोर पुलिस खेलते खेलते पकड़ लोगे तो उसके हाथ में ये भी तो पहनाना है, और ये हथकड़ी जो है ना भाई कुछ इस तरीके से काम करती है, देखो इस तरीके से खुल जाती है, और उसके बाद भाई जब आप चोर को पकड़ लोगे तो उसको इस तरीके से ये पहना देना, और ये पहनने के बाद अब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे चाबी, इसको खींच के आपको यहाँ डालना, उसके बाद ये वापस से खुल भी जाती है। तो ये हथकड़ी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, और ये भी इसी किट के अंदर आती है, यानी कि जो पुलिस वाला सेट है काफी ज्यादा अमेजिंग है। और एक इसके अंदर आती है हमारी रखी हुई गन, ताकि जो है भाई और सोने पे सुहागा हो जाए। तो इस गन को तो भाई अभी हम चलाने वाले हैं, क्योंकि भाई बिना निशाने मारे तो भाई मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद इसको जब आप लॉक करोगे तो यार इसके नक्के वक्के देखो यार, कितना हार्ड है, मतलब इसका ये मटेरियल बहुत ज्यादा पक्के प्लास्टिक का बना हुआ है। कभी भी आपको किसी मिशन पे जाना है, इसको लेके बस हाथ में इस तरीके से चले जाओ, और फिर देखो भाई क्या होता है, कमाल। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि आज जो 10 में से किसी एक बंदे को मिलने वाला पुलिस सेट, और वो पबजी वाली फ्री फायर वाली स्नाइपर गन भी मिलेगी। तो भाई चलो इसको रख देते हैं इनकी वापस से जगह पर। तो भाई इसका जो है ना अब हम लाइव डेमो लेने वाले, तो भाई आ जाओ मेरे साथ। ओ भाई अब लेजर लाइट को कर लिया ऑन, और ये देखो भाई निशाना बैठा दिया। ओ भाई क्या बात है, अंधेरे में तो भाई साहब गजब बढ़ा दिया इसने। ओ माय गॉड, ये तो यार वाक्य में काफी ज्यादा क्रेजी है और बहुत ज्यादा मजेदार है यार। मतलब इस चीज को कहते हैं यार कि हाँ ये एक्चुअल में गन है, क्या निशाने मारे यार इसने, मतलब बटैक बटैक, वाक्य में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और मुझे यार अच्छा लगा कि इसके साथ जो है ना इन्होंने ये एक भाई फ्री दिया है, क्योंकि ना यार इसको बार बार भरना ना थोड़ा सा टाइम वेस्ट वाली चीज लगती है। तो भाई सीधा जो है अपना इस तरीके से मैगजीन निकाल लो, और भाई दोबारा जो है एक तरीके से मैगजीन को लोड कर दो। तो ये जो चीज लगी भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और वाक्य में यार। तो भाई इस चीज को तो मैं एक ही तरीके से कहूंगा कि ये ना रास्कला माइंडेड धाए धाए धाए। तो भाई साहब मुझे तो काफी ज्यादा इसने क्रेजी कर दिया, और मुझे ये पर्सनली पसंद भी आई, क्योंकि लेजर लाइट वाली ये एक गन है। तो मतलब भाई लेजर लाइट भी मिल रही है, गन भी मिल रही है, और पूरा पुलिस का सेट मिल रहा है यार, और क्या ही चाहिए। तो मुझे तो काफी ज्यादा बवाल वाली चीज लगी। अगर तो भाई साहब अगर आपको काफी ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिखना, और उसके आगे लिखना पुलिस सेट, ताकि मैं जो आपको गन से लेके एक बाइनोकुलर यानी दूरबीन तक सब कुछ आपको गिव अवे हो सके, यानी पुलिस सेट पूरा गिव अवे होगा। तो अब इसके बाद लगने वाले है भाई नोटों की लड़ी, क्योंकि भाई नोटों की धड़ी के बाद हम दिखाने वाले हैं ATM मशीन में पैसे भी तो जमा करने हैं ना, क्योंकि भाई सरकारी खजाने में जाने वाले हैं। तो ये देखो भाई साहब, ये है भाई हमारी 10 रुपए वाली गड्डी, और ये देखो इसके अंदर है काफी सारे नोट। तो भाई मैं तो अपने छोटे वाले भाई को देता हूँ, क्योंकि वो करता है स्कूल में पार्टी। तो अगर तुम लोग कोई भाई अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है तो तुम भी भाई इनको लेके स्कूल में जा सकते हो, कि 10 रुपए की नोट हो गई, 20 रुपए के नोट हो गए, आप अपने दोस्तों को चिढ़ा सकते हो। और नहीं यार, अगर चिढ़ा रही है तो उनको कैंटीन में बुला के उनके साथ प्रैंक कर सकते हो कि भाई आज अब मैं आज तेरे को देने वाला हूँ बहुत तगड़ी पार्टी। और ये है 50 रुपए के नोट की गड्डी, और भाई इनके अंदर से ना साउंड जो है काफी ज्यादा कमाल का आता है। देखो एक बार साउंड सुनो, है ना, मतलब कितना ज्यादा कमाल का। और ये भाई 100 रुपए वाली गड्डी जो काफी ज्यादा मजेदार है।
तो भाई मैं कहने वाला हूं, तो तुम्हारे स्कूल में ना भाई आज लगने वाली है बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि सब लोग हो जाएंगे तुम्हारे फैन के। भाई साहब मुझे तो राहुल ने पार्टी दी है। तो आपका जो भी नाम है भाई मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ताकि मुझे भी पता रहे कि भाई साहब आपके पास भी नोटों की गड्डी लगने वाली है। और इसकी तो मुझे लग रहा है भाई यूट्यूब पर शॉर्ट्स डलने वाले हैं या फिर आप रील बनाने वाले हो, क्योंकि आपके काफी ज्यादा काम आएगी। और ये 200 रुपए की गड्डी और ये भाई साहब 500 रुपए की नोटों की गड्डी, यानी कि अगर आपके मामा की चाचा की किसी की भी शादी है तो वहां पर जो है ना भाई जाकर डीजे पे लुटा देना, या शादी में किसी की लुटा देना, आपस में लोग जो है उछल उछल के भाई लूटने लगेंगे। तो भाई ये वाली जो 200 के बाद 2000 रुपए की नोटों की लड़ी लग गई है। और ये देखो भाई साहब मतलब कमाल हो गया यार, पैसे देख रहे हो, पैसा ही पैसा है। तो आप जो है ना अपने दोस्तों को बोल सकते हो भाई टेंशन मत ले यार, फिकर मत कर, आज जो है हमारे पास पैसा ही पैसा है। क्यों बोल, कितने चाहिए तुझे? ये ले 10 की गड्डी ले, 20 की गड्डी ले, 50 की गड्डी ले, 100 की गड्डी ले, 200 की ले, 500 की ले, 2000 की ले, रो तो मत कम से कम। तेरा भाई पैसा ही पैसा लेके आया है, फिर हेरा फेरी वाला अक्षय कुमार वाला सीन होने वाला है। तो भाई ये जो आज का कलेक्शन है काफी ज्यादा ताबड़तोड़ बहुत ज्यादा कमाल का इंटरेस्टिंग है। तो भाई जिस बंदे को भी मिलने वाला है ना उनके होने वाले काफी ज्यादा बल्ले बल्ले। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भाई इसलिए जो है ना इस बार मैं बता दूंगा चैलेंज भी बढ़ा है। इस बार जो भाई साहब 1000 नहीं एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए, क्योंकि अगर इस वाले कलेक्शन पे 5000 से ज्यादा लाइक्स क्रॉस हो जाएंगे, चाहे 2 दिन में हो चाहे 5 दिन में हो, तब उसके बाद जाके भाई जो है हम शाउट आउट देंगे और उसमें बताएंगे कि भाई विनर कौन है। और इस बार एक नहीं बल्कि दो विनर होने वाले हैं। तो ये है भाई साहब सारा का सारा कैश, तो भाई स्कूल में मचा देना शोर, क्योंकि तुम्हारी रील्स बनने वाली और शॉर्ट्स बनने वाले हैं बहुत तगड़े वाले। तो इनको रखते हैं यहां पर। और भाई अब उठाने वाले हम एटीएम मशीन जिसमें आपको पैसे जमा करने हैं। तो इसके अंदर डलती है भाई 3AA वाली बैटरी यानी 3 सेल। और जब इसके अंदर भाई बैटरी लगा दोगे तो उसके बाद जो है ये देखो भाई इसको जितना मर्जी मैं खोल लूं ना, पहले तो खुलने नहीं वाला क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ता है। और ये मिनियंस देखो यार कितने क्यूट लग रहे खेलते हुए बिल्कुल एकदम सही कॉम्बिनेशन बनाया येलो एंड ब्लू का, क्योंकि मिनियंस की जो ड्रेस है ना वो येलो और ब्लू ही होती है। इसीलिए इन्होंने भाई साहब लॉकर का भी देखो येलो कर रखा और इसको बटन को ब्लू कर रखा। ये जो है भाई रेड कलर की लाइट जलती है और एक बार ये ग्रीन कलर भी जलती है। और इसका पासवर्ड मैं बता देता हूं कि आपको जो है ना भाई 4x0 डालना है, यानी कि 4 बार जो आपको 0 दबाना है और ये हो जाएगा अनलॉक। तो भाई अभी जो है इससे पहले हम इसके अंदर पैसे डालेंगे तभी तो भाई इसके बाद निकालेंगे। तो जब आपको भाई अपने पैसे जोड़ने हो या मनी सेविंग्स करनी हो तो आप जो है यहाँ पर ऊपर से कॉइन्स भी डाल सकते हो और ऊपर से भी नोट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मजे लेने हैं ना तो भाई ये तो ना एकदम सस्ते वाले मजे हो गए, सस्ते वाले मजे नहीं एकदम बढ़िया वाले मजे लो खुल के। तो ये असली वाला एटीएम का फील देने वाला। और इसका ना साउंड सुनना, मैं चुप रहूंगा बस आप इसकी आवाज सुनना। ये देखो ये नोट कैसे खींचेगी। तो यहां पर जो है ना भाई साहब एक पता हरी लाइट भी जलेगी, देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूं, है ना, मतलब कि ये पूरा का पूरा भाई इसने नोट ले लिया है और यहां पर एक लाइट भी जली है। तो ये देखो अब इसको देखो लॉक कर दिया क्योंकि ये खुल नहीं रही है तो लॉक हुई पड़ी है। अब हमें भाई जब हमारा मन करेगा यानी कि एक महीने बाद जब मुझे भाई पैसे चाहिए होंगे पार्टी करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कुछ भी, तो मैं दबाऊंगा इसके अंदर 0 1 2 3 4। और ये देखो इसके अंदर साउंड है और एक बार लाइट जली और ये खुल गया सिम सिम। तो ये रहे हमारे 500 रुपए का नोट, ये तो भाई साहब हो गई ना पार्टी, तो कतई बवाल चीज है। और ये वापस से ऑटोमेटिक पता लॉक हो जाती है, देखो अब जब खोलूंगा तो खुलेगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ेगा। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको अपना खुद का पासवर्ड रखना है ना तो इसके सेल निकाल देना 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद जो है वापस से इसके अंदर सेल डाल देना। और उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको भाई लिखना है 1 2 5 6, आपको अगर ये 4 वर्ड लिखने हैं तो आप 1 2 5 6 दबा देना और एंटर के लिए इसमें हैश है, हैश दबा दोगे तो भाई ये खुद का पासवर्ड बना देती है। ये चीज जो है मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करी और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा मजा भी आया। तो भाई साहब ये वो 10 नाम जिनमें से किसी एक को मिलने वाली पबजी और फ्री फायर वाली स्नाइपर गन, और उसको जो है भाई एक झलक भी मैं अभी दिखा दूंगा, उसी के साथ पुलिस वाला सेट भी मिलेगा। और ये वाला तो भाई पूरा का पूरा कलेक्शन जिसमें पुलिस सेट भी इंक्लूड है, आरसी हेलीकॉप्टर भी इंक्लूड होगा और ये इतने सारे पैसे भी भाई इंक्लूड होने वाले। ये मिलेगा भाई 5000 लाइक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब, और उस बार हम 10 में से देंगे 2 लोगों को, तो है ना मतलब कितनी बढ़िया बात। तो भाई पहला नाम है अंशुमन, दूसरा है जैनुल अभिदान, तीसरा है अमार, चौथा है ओम प्रजापत, पांचवा दीप छत्री, छठा है भाई सयान दास, सातवां शिविका, आठवां आशीष, नौवां नैतिक समरे और 10वें पर भाई साहब मीनाक्षी। तो इन 10 में से किसी एक को जाने वाला है भाई अल्टीमेट टॉय कलेक्शन जो लास्ट वाला था, और उसी के साथ
हल्क वाला जो कलेक्शन है ना वो तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार मिलने वाली है एक स्नाइपर गन, जो कि ये वाली गन है। और भाई इसको ना अब तुम देखना, ठीक है, अब इसकी एक झलक दिखाने वाला हूं, तुम फैन हो जाओगे इस गन के, क्योंकि जिसको मिलने वाला भाई उसको तो बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है, लेकिन आपको भी देख के मजा आ जाएगा। तो ये देखो झलक, ये अभी हमारी पबजी वाली गन है, ये देखो भाई गजब लगे, पता ही गया भाई साहब, बुलेट देखो यार, और भाई साहब ये देखो यार, लाल हरी नीली और आगे देखो क्या फ्लैश वाले तौरी लाइट बन गई है, नीली नीली, ओ हो भाई साहब, ओ अंधेरे में देखो भाई, बुलेट देखो यार कितनी हार पार दिख रही है भाई साहब, आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।